bring it back. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह आपकी विंडो में अक्सर वाईफाई से कनेक्ट करें तो उसमें IPv4 का तो उसमें इंटरनेट एक्सेस होता है लेकिन IPv6 का इंटरनेट नहीं होता। जिस तरह ये देखेंगे IPv6 कनेक्टिविटी नो इंटरनेट एक्सेस इसमें आ रहा है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप ले जाना है IPv4 में ऑटोमेटिक है, IPv6 में भी ऑटोमेटिक है लेकिन उस पर नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो है आपने अपनी विंडो में जाएं, नीचे सर्च बार में लिखें CMD आ जाएगा। CMD आने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको यस करें। ये आने के बाद इस तरह की विंडो आपके पास खुल जाएगी। इस विंडो के खुलने के बाद ये बेसिकली आपके इंटरनेट की रीसेटिंग का प्रोसेस है, जिसमें आपका IPv6 का जो ऑप्शन नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा था वो उसमें चेंज होकर कनेक्टिविटी में आ जाएगा। वो येलो जो डॉट था वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह नो इंटरनेट एक्सेस की जगह पे इधर इंटरनेट ही आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी इसमें चलते हैं। सबसे पहले इसमें लिखते हैं NEDSH स्पेस स्पेस कैटलॉग। ठीक है जी, इस तरह आपने टिक के जिस तरह स्पेस दी है उस तरह ही स्पेस दे के इसको आपने करना है जी एंटर करें। एंटर करने के बाद ये इधर आ रहा है सक्सेसफुली रीसेट द विनसर्व कैटलॉग, यू मस्ट रीस्टार्ट। अभी हमने उस चेंजेस को करने के लिए अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाएगा। रीसेट करने से पहले आपने एक चीज़ और इधर लिखनी है, वो है जी NEDSH INT IPv6। ठीक है जी, IPv6 स्पेस दें NEDSH INT रीसेट स्पेस reset dot log। ठीक है जी, नेट इसमें स्पेस ठीक है जी, इस तरह NEDSH INT IPv6 स्पेस रीसेट स्पेस रीसेट डॉट लॉक। ठीक है जी, इसको आप एंटर करें। ठीक है जी, सेटिंग टू बी रीसेट। ठीक है जी, इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद करें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट। बाय द वे दिस इज माय चैनल, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल का बटन दबाएं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसमें काफ़ी हैं उनको क्लिक करने के करें। अभी मैं अपना जो है कंप्यूटर रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ, रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।